गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में करवाया था, वर्णों की बनावट। ठीक है, हम वर्णों यानी कि अक्षरों की बनावट किस प्रकार करते हैं। ठीक है, हमने स्वर लगभग कर ली है, तीन हमारे जो वर्ण वो रह गए हैं, उन वर्णों को हम देख लेते हैं। वो वर्ण क्या क्या थे, एक है हमारा री, ठीक है, दूसरा है ए और तीसरा है आई। ठीक है, आज हम इन तीनों वर्णों को लिखने जा रहे हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में कैसे लिखेंगे, वो आप सब लिखना, मेरे साथ साथ लिखना। और हम ये देखेंगे उनको लिखना कैसे है। कई बच्चे जो छोटे होते हैं वो लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं और माता पिता या टीचर्स उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं आज आपको बच्चों वो दिखाऊंगा कि आपने वो वर्णों की बनावट कैसे करनी है। ठीक है, कई बार हम सिर्फ काम चेक करते हैं, बच्चों को लिखते हुए नहीं देखते कि उन्होंने कैसे लिखा है, किस प्रकार लिखा है। और जब उनकी वो आदत पड़ जाती है तब हम उसको देखते हैं और वो आदत को सुधारना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को हम पहली कक्षा से ही वर्णों को लिखना सिखाएंगे और उनकी बनावट के ऊपर उनका ध्यान देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम वर्णों की बनावट। और सबसे पहला हमारा वर्ण है री। ठीक है, तो री को हम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, चौक को हम शुरू में थोड़ा घिसा लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से आप लिख सको। ठीक है, जैसे ही हम चौक को घिसाएंगे यहाँ पर एक निशान पड़ जाएगा। ठीक है, निशान आपको दिखाई दे रहा है, जो ये निशान है इसी से हम वर्णों की जो बनावट है वो अच्छे से उसको बना सकेंगे। ठीक है, और आपने थोड़ा जो ये चौक है इस प्रकार टेढ़ा रखना है कि हमारा जो लाइन है ये हमारी ये इस प्रकार से आए, न कि सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा में हमने इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे री। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहां से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ऐसे बना लेंगे और फिर इसके ऊपर शिरो रेखा खींच देंगे। तो ये है हमारा री, री फॉर ऋषि या री फॉर ऋतु, कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि यह अच्छे से उभर कर आए और लिखाई को और भी अधिक सुंदर बना दे। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए और इसको इसकी आउटलाइन बनाए साथ में, बहुत अच्छा लगेगा, अलग जाइए। और अगर आप अलग कलर से कलर चौक लेके इसको बनाएंगे तो यह और भी अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार यह बन रहा है और बहुत ही सुंदर यह दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप भी इसी प्रकार वर्णों को बनाएं। और री की बात आता है हमारा ए। ठीक है, हम देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रकार लिखेंगे और फिर इसके बाद यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसके ऊपर शिरो रेखा खींच देंगे, ये बन गया हमारा ए। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी आउटलाइन कर देते हैं ताकि यह भी अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, इस प्रकार हम इनकी वर्णों की बनावट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसकी लुक आएगी। अब हम ए के बाद कहते हैं आई, जैसे हमने ए लिखा है हमें क्या करना है, उसके ऊपर सिर्फ मात्रा लगानी है, ये बन गया हमारा आई। क्लियर है, तो तीनों वर्ण हमारे ये हो गए हैं। और अगर हम वर्णों स्वरों की बात करें तो सभी स्वर हमने कर लिए हैं,
तो उम्मीद है आपने पिछला वीडियो भी देखा है, तो इस प्रकार हम इनको लिखेंगे, इनकी बनावट पे ध्यान देंगे।